मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो शक्ति बच्चों को दी है सर्वजोत और मनु को, वो काबिले तारीफ है। तो ज़िंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। इतनी खुशी खुश हूँ आज, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रोंग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो आप लोगों की जो उत्साह देख रहा हूँ ना, तो वैसे ही लग रहा है कि आप लोग जितने जोश में हो, खुश हो, मैं भी बहुत खुश हूँ। पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए, 2-3 दिन? यहाँ कल मैच से पहले, जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरे हमेशा बात होती रहती है, आपने बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान इतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है आज? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुंदर में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिज वाइफ, हर वाइफ। मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप पूछिए मुझसे क्या पूछेंगे। मैं सुबह से हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है सर्वजोत और मनु को, वो काबिले तारीफ है। तो ज़िंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं, मैं हर रोज़ बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज़ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तप करने की, भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मत चलूंगी, चाहे मुझे काटू पे चलना पड़े मत चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो देखा? नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तप कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है। तो मैं उठ के आई हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुशी खुश हूँ आज, मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रोंग होके खेलना बहुत ज़रूरी है दोनों बच्चों के लिए। मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा, भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने। सच्ची ना देखने के पीछे का क्या रीज़न मानती है? मैं ये रीज़न मानती हूँ कि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस रखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा एकाग्रता, मेरी जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के बहुत काम आती है, इसलिए मैं शोर शराबे से बिल्कुल शांत माहौल में बैठना पसंद करती हूँ। तो मुझे टीवी चला के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने मनु का आज तक कोई भी मैच टीवी में नहीं देखा है। मैं कॉमनवेल्थ था तब मेरे पति और मेरे बेटे ने देखा, तब भी मैं तप कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी बाहर मेरे पेड़ के नीचे बैठ के। और जितने भी मैचेज मैं ओलंपिक के टाइम पे भी मैंने नहीं देखा था, टोक्यो में जब हुआ था, जितने भी मैचेज आज तक मनु ने वर्ल्ड में खेले मैंने नहीं देखा मनु को, मेरी आत्मा नहीं मानती है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊँ तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा, आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवद गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें।
तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थे, इतना मैं नहीं बोल पा रही थी, आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से। शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं। गीता का जिक्र किया है जी, मैंने गीता पढ़ी है, तो मनु ने गीता भी शुरू किया पढ़नी, मैंने पढ़ा गीता को, और जब से जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ, तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के, तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। जी बताएं, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैथ से पहले 12 बजे हम लोग आंख बंद करके बैठे थे, आप लोगों ने हमें फिर डिस्टर्ब कर दिया। आज मेरे हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ऋषि मुनि तप करते थे वनों में बैठ के, तो उनके ध्यान को भंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं तो उस एकाग्र करने में बड़ा समय लगता है, तो एकाग्रता बनाने के लिए हमें समय लगता है। फिर जब हम मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, तो आप डोरबेल बज के फिर वो हमारा जो ध्यान वो भंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितना रहे ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा बाहर खेलने जाता है, तो अपने आप पे फोकस रखो, दुनियादारी से एक बार अपने आप से दूर होके अपने आप को अंदर कैद करो और भक्ति में लीन हो जाओ। बस मैंने यही सीखा इन दोनों मैच चीज में मनु के लिए।